फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया है। अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ रोज़ की तरह अपनी कोचिंग। आज रात भर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से कोहरा बिल्कुल नहीं है। आपको भी दिख रहा होगा कि आज कोहरा नहीं है, आज एकदम साफ़ है। लेकिन ठंड हो रही है क्योंकि हवा चल रही है। और रोड भी दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल खाली है। रोड पर कोई नहीं है, मैं ही हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ सुबह सुबह कोचिंग। ठंड नहीं लग रही आपको सुबह सुबह? सुबह उठ के बैठे हो आप? इतनी सुबह क्यों उठे आप इतनी ठंड में? इतनी बड़ी रात को कातल रोकते जाए। हाँ, ये तो है। ठंड भी तो हो रही है। ठंडा भी है। अच्छा, चलो ठीक है। ये है एक अंकल जी जो हमें मिले हैं रोड पे। जब भी मैं कोचिंग जाती हूँ ये सुबह सबसे पहले उठ के रोड पे बैठे रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। तब भी जब बारिश होती है तो इनका यहीं पे रोड पे मकान है, तो उसमें जो बरांडा उस पर बैठे रहते हैं। पर मिलते हैं रोज़ रोड पे। और सुबह इतनी ठंडी हवा चली है तब भी रोड पे बैठे हुए, और हम तो ठंड के मारे अंदर से बाहर ही नहीं निकलते। सबसे अच्छी बात यह है आज की कोहरा नहीं हो रहा है और हवा चली है, इतना तो चलता ही है। सर्दी का मौसम, इतनी ठंड तो रहती है। लेकिन जो रोड है वो बिल्कुल खाली है कहीं बीच में। यार ये देख लो, आज तुम्हारे रोड पे गाड़ियाँ वगैरह भी कुछ नहीं चल रही है। मैं आपको थोड़ी चोटी दिखाती हूँ जहाँ पे बर्फ गिरा है। आपको चोटियाँ ऊपर इस पे बर्फ गिरी है कल परसों, और जिसकी वजह से ठंडी हवा चल रही है और ठंड हो चुकी है यहाँ पे। कोचिंग से घर के लिए क्योंकि टाइम बच चुके हैं 9 और ठंड से हो गए मेरे बुरे हाल, क्योंकि ठंड के कारण हाथ हो चुके हैं। बहुत सुन, ठंड है बहुत ज़्यादा और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है यहाँ पे। तो मैं अब घर जाने के बाद करूँगी नाश्ता, उसके बाद देखते हैं क्या। यह है मेरा आज का नाश्ता, आलू मटर की सब्जी, रोटी, चाय और अचार। चाय में ब्लैक टी है क्योंकि मैं दूध वाली चाय नहीं पीती, तो मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ क्योंकि दूध वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं जाऊँगी छत में, धूप में छत पर बैठूँगी धूप में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर फ्रेश और टाइम हो गया है 11:30। मैं नहा पी गई और मैंने पहुँच गई हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद अब छत पर। अब लगाऊंगी मैं कपड़े सुखाने के लिए। ये रहे मेरे कपड़े, पहले मैं लगाती हूँ कपड़े अब सुखाने। नहाने के बाद अब सूख चुके हैं मेरे बाल। ये है मामी जी जो मेरे बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं और मैं धूप में बैठ के ऑयलिंग का मज़ा ले रही हूँ। दूसरों के हाथ से जो तेल लगता है ना बाल में, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत रिलैक्स होता है जब कोई और तेल लगाता है बालों में। अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और धूप भी अच्छी है आज निकली हुई, तो हम बैठे थे। मैं कहा तेल लगा देते हैं बाल में, तो मामी जी मेरे बालों में तेल लगा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। शाम के बज चुके हैं 7 और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम बैठे हैं आग सेकने। ये देखो लेडीज पार्टी और बच्चा पार्टी आग सेकने बैठे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी आंटी अच्छा। हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं उनको जो आग सेकने बैठे हैं यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, लकड़ियाँ हमारे पास कम है, लकड़ियाँ कम है और आदमी बहुत ज़्यादा हो गए। ठंड में आप यात्रा कर सकेंगे और अब मिलते हैं हम वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।